कन्वर्जन कैसे करेंगे, किस चीज का कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन एंड वाइस वर्सा। ठीक है, कैसे हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो जाएंगे और कैसे रेडियन से डिग्री में। ठीक है, ये देखो यूनिट्स का काम बहुत मज़ेदार होता है और काफ़ी ये बड़ा रोल प्ले करते हैं, ये सब चीज़ें फिजिक्स में आपको ज़्यादा काम आती हैं यूनिट्स का, बट फिर भी यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें काम आनी है। तो देखो कैसे करते हैं कन्वर्जन। सबसे पहले मैं डिग्री टू रेडियन कर लेता हूँ। सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन बहुत ही ईजी है यार, आप कर सकते हो खुद से भी, ठीक है, बट मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, देखो क्या होता है, वी नो, बहुत सिंपल सी बात है, कितना अभी निकाला था कि 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे आर लेंथ पे 1 रेडियन, 2 आर लेंथ पे 2 रेडियन, 3 आर लेंथ पे 3 रेडियन, तो 2 पाई आर लेंथ पे 2 पाई रेडियन, और वहां से ये निकाला था। तो मुझे ये बताना है कि 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, पाई रेडियन अपॉन 180 कर देता हूँ, ये 180 नीचे चला जाएगा। ये पहले ये सब मेथड आप पढ़े हो ना, तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन की 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। जैसे बस एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ, छोटा सा एग्जांपल कि मैं आपसे बोलूँ कि 60 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 60 डिग्री है ना, तो 1 डिग्री इतना है, तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 60 इंटू 1 डिग्री की जगह मैं क्या लिखूंगा, पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन होता है असली में, ये ऐसा रेडियन होता है, बट यूजुअली हम क्या करते हैं, यूजुअल नोटेशन देख लें ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, यूजुअल नोटेशन के केस में हम क्या बोलते हैं, पाई बाई 3 लिख के छोड़ देते हैं, तो भी आप यही समझेंगे कि ये 60 डिग्री है। ठीक है ना, लेकिन मतलब थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, कोई बोलेगा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसमें नहीं आने वाला, कि सर इसमें 3.14 कहाँ लेंगे और बाकी चीज़ें कहाँ लेंगे, वो सब कन्फ्यूजन नहीं आने वाला, डोंट वरी, आप देखते रहना कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा कन्वर्जन है, हम अभी करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन कन्वर्जन के भी, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, कौन सी बात, ये वाली बात कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है ना, कैसे निकाला आपको पता है। अब मैं सेकंड पॉइंट ले लेता हूँ, रेडियन टू डिग्री। ठीक है ना, रेडियन टू डिग्री का कन्वर्जन करते हैं, तो ये भी उतना ही ईजी है जितना ये, इसका उल्टा लिख दो, कैसे, कि पाई रेडियन 180 डिग्री है, हमने बोला फिर से अगेन, वी नो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री, ये पाई नीचे आ गया, बात खत्म है, तो इसको याद कर लो। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दो 180 बाई पाई से। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल कैसे, इसी को ले लो कि पाई बाई 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो पाई बाई 3 रेडियन है हमारे पास, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, मतलब दोनों सेम ही है ना, कन्वर्ट कर दो, तो कैसे, पाई बाई 3 तो एज इट इज रहने दो, इंटू 1 रेडियन लिख दो, और 1 रेडियन कितना हो जाएगा, दिस डिग्री, तो पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई डिग्री, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 60 टाइम्स में, तो दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड दिस इज अवर करेक्ट आंसर। तो इधर से कन्वर्ट करके उधर जाओ, उधर से कन्वर्ट करके इधर आओ, बात सेम ही आना, कोई फर्क थोड़ी है, कुछ भी फर्क नहीं है। तो ये बस दो चीज़ें याद रखनी है कि 1 डिग्री पाई बाई 180 डिग्री सॉरी रेडियन एंड 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई रेडियन डिग्री, दोनों में उल्टा बोल दिया मैंने, क्या बोला, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन एंड 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। ठीक है, और कुछ नहीं याद है ना, तो मैं तो बस इसको बोलूँगा कि ये बात आप ध्यान रखो, क्योंकि मास्टरपीस तो यही है, यही मास्टरपीस है। ठीक है ना, इसी के थ्रू तो हम गए हैं ना नीचे, तो ये है, तो आई होप बात को समझ रहे होंगे आप, तो कुछ है नहीं इसमें, मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ और एग्जांपल्स करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या बोलता है कि एक्सप्रेस इन डिग्री मिनट्स एंड सेकंड ऑफ द एंगल्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, एक्सप्रेस, यहाँ पे ये हमारे एग्जांपल्स आने वाले हैं, एक्सप्रेस गिवन एंगल्स इन डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड्स। ठीक है, जैसे हमारा पहला जो है वो है
तो इसका मतलब क्लियर है ना कि गिवन किस में होगा, रेडियन में गिवन होगा, तभी तो हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जो फर्स्ट है हमारा एग्जाम्पल वो बोल रहा है कि पाई बाई सिक्स रेडियन, अब रेडियन मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये पाई बाई सिक्स रेडियन दिया हुआ है, मर्जी पड़े आप लिख भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, पाई बाई सिक्स को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कैसे रेडियन से कन्वर्जन होता है, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई होके, मैं इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पाई से पाई कैंसिल, दिस इज 30, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। दूसरा है हमारे पास 4 पाई बाई 3 रेडियन, 4 पाई बाई 3 रेडियन, फिर वही काम, 4 पाई बाई 3 को 180 बाई पाई से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 3 से ये 60 टाइम्स में, ये सब डिग्री में आ रहा है अभी, ये मर्जी पड़े यहाँ पे डिग्री डाल दो, 60 इंटू 4 240 डिग्री, ठीक है, इसको ब्लॉक कर देते हैं यहाँ पे। थर्ड वन विल बी, थर्ड वन है 10 पाई रेडियन, 10 पाई रेडियन, 10 पाई रेडियन में क्या करेंगे आप, 10 पाई रेडियन में फिर वही 1 रेडियन की जगह 180 बाई पाई रख दो, तो 10 इंटू 180 बाई पाई, ठीक है, 10 पाई था, सॉरी 10 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 1800 डिग्री। फोर्थ वन, 3 पाई बाई 5 रेडियन, ऐसा दिया इसने, तो क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 5 इंटू 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल, 5 से ये कितने टाइम्स में, 36 टाइम्स में, तो ये क्या हो जाएगा, 108 डिग्री, ठीक है। लास्ट फिफ्थ वन, मैं क्या ले लेता हूँ, आप ये ले लो 4 पाई बाई 7 रेडियन, तो 4 पाई बाई 7 इंटू 180 बाई पाई, राइट है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, अब ये कुछ ऐसा हो गया 720 अपॉन 7 डिग्री, ठीक है, तो ये तो फ्रैक्शन में जाएगा, तो फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो, यदि मैं डिवाइड करूं तो 1 ये गया, फिर 0 एंड 3 तो जाएगा नहीं, 2 102 पॉइंट आप निकाल के देख लें, ये हो जाएगा 60, तो 7 टाइम्स में ले जाएंगे, 8 टाइम्स में ले गए, फिर 40 बचा, फिर 5 टाइम्स में, अप्रॉक्स इतनी वैल्यू आएगी, इतनी डिग्री में वैल्यू आ रही है, बट मुझे क्या बताना है, डिग्री मिनट सेकंड सब बता देना है, तो 102 को तो एज इट इज रहने दो, तो इसको क्या लिख दिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 102 डिग्री प्लस 0.85 डिग्री, देखो 102 डिग्री प्लस 0.85 डिग्री को अब आप क्या करें, मिनट में कन्वर्ट करें। अब कैसे होता है मिनट का कन्वर्जन, हमें पता है कि 1 डिग्री जो होता है वो कितना होता है, 60 मिनट होता है, तो 0.85 डिग्री कितना हो जाएगा, 0.85 इंटू 60, बात खत्म है, तो उसको मैं लिख देता हूं वहां पे, ये आप ना लिखें, ये तो मैं रफ कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 0.85 इंटू 60, तो ये कितना हो जाएगा, 102 डिग्री, एंड ये मल्टीप्लाई करके आप लिखो, तो कितना हो जाएगा, 0 और 51 मिनट हो जाएगा, ये डिग्री है और ये मिनट है, दिस इज आवर आंसर, 102 डिग्री एंड 51 मिनट, कुछ सेकंड्स भी आ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं, मैं इसको और फर्दर आगे लेके चलूं तो सेकंड्स हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इसका आपको थोड़ा सा याद रखना ध्यान से, जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, इसको 1 रेडियन को 180 बाई पाई, तो 180 अपॉन 3.14 डिग्री भी लिख सकते हो, तो ये अप्रॉक्स 57 डिग्री के आसपास आता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, थोड़ा सा बस ऐसे कैलकुलेशन में कहीं यूज तो नहीं होना है, बट थोड़ा बहुत यदि याद रखोगे ना तो काम आएगा, 57 अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, ये नहीं करेक्ट बोल रहा, देखो ये 3 होता तो 60 आ जाता ना, तो 57 अप्रॉक्स आएगा ना, तो ये डिवीजन वगैरह में बार बार जरूरत पड़ता है, और एक कन्वर्जन JEE में नहीं आता, मैं बता दूं आपको, बहुत ही रेयर केस में ऐसा आ गया तो आ गया, नहीं तो कभी नहीं आता, ये तो फर्जी काम चल रहा है। मैं क्या बोला था आपको, कंसेप्ट में नहीं, ये सब मोहमाया है, मोहमाया के चक्कर में पड़ोगे ना तो उलझ के रह जाओगे, कंसेप्ट ये रहा वो सब तो कर लेंगे, यदि ये आता तो, ये नहीं आता तो क्या करोगे, कुछ नहीं हो पाएगा, वो वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप लिखो, मैं मिटाता हूँ, फिर और कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस गिवन एंगल्स इन रेडियंस। ठीक है जी, रेडियंस में हमें बताना है, बहुत सिंपल सी बात है यार। पहला जो है वो है 75 डिग्री। अब आपको बताना कैसे कन्वर्ट करते हैं, 75 को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है। अभी आपको याद होगा तो क्या करना है, 75 × π/180। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। अब आप कन्वर्ट कर लो इसको, कैसे, 25 से तो डिवाइड होगा नहीं, 5 से करके देख लो तो 5 से कितना हो जाएगा, 15 टाइम्स में, और 5 से ये 36 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा 15π/36। यदि मैं ऐसा भी लिख के छोड़ देता हूँ ना, फिलहाल आपको ये मानना है कि ये रेडियन में लिखा हुआ है, बिकॉज हम यहाँ पे कुछ ऐसी बातें ही कर रहे हैं। ठीक है, तो या आप चाहें तो लिख लो ऐसे, मैं बता रहा हूँ आगे चल के हम ऐसा लिखना छोड़ देंगे धीरे धीरे, सी जो है ना हम छोड़ देंगे। दूसरा है हमारा 120 डिग्री, मान लो 120 डिग्री, तो क्या करेंगे, 120 × π/180। ठीक है, रेडियन को आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे कि 15π/36 रेडियन, RAD, रेडियन ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 16 × 2 और 16 × 3, तो दिस इज 2π/3 रेडियन। ठीक है, थर्ड एग्जांपल है हमारे पास 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री, तो 135 × π/180 दिस इज रेडियन। मैं लिख रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, आगे चल के छोड़ देंगे। 45 से काट सकते क्या, नहीं काट सकते, 5 से काट लो जो भी आ रहा है, अब इतना तो कर सकते हो, 5 से तो ये 36 टाइम्स में जाएगा ही जाएगा, और 5 से ये 2 और 7, और भी 3 से कटेगा ये 9 टाइम्स में, और 3 से 12 टाइम्स में, तो ये क्या हो जाएगा, 9π/12 रेडियन। ठीक है, थर्ड हो गया, फोर्थ देखते हैं, अभी भी कट रहा है यार, ये तो 3π/4 हो गया, ये तो ये दिस इज 3π/4 रेडियन। जब तक कट रहा तब तक काटो, मैथ का फंडामेंटल लॉ है ये। ठीक है ना, फोर्थ मेरा बोला 175 डिग्री 45 मिनट, 175 डिग्री 45 मिनट मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पहले सब कुछ डिग्री में कन्वर्ट करो, क्योंकि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने आता है, मिनट को नहीं। तो क्या करेंगे, इसको भी हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो 175 तो पता है, और प्लस 49 सेकंड एक्स्ट्रा है हमारे पास, हमें पता है 60 सेकंड कितना होता है, ध्यान से देखो यहाँ पे, अभी छोटी छोटी चीजें बार बार, 60 सेकंड कितना होता है, 1 डिग्री, तो 1 सेकंड कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री, तो कितना है, 49 सेकंड कितना हो जाएगा, 49/60 डिग्री, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 49/60, तो प्लस 49/60 डिग्री, समझे क्या, इतना एंगल हो गया। अब क्या करना है, इनटू पाई बाई 180, बात खत्म है, हो गया, यही हमारा सॉल्व कर लो और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व कैसे करना है, बस आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, फिफ्थ ले लो, फिफ्थ बोल रहा है हमारे पास 395 डिग्री, 395 डिग्री, तो दिस इज 395 × π/180, हो गया रेडियन। ठीक है, DIY, डू इट योर सेल्फ, खुद से करना है आपको, ये कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे काटाकुटी करेंगे, ये सब देखते रहो। ठीक है ना, सिक्स्थ ले लेते हैं, इसमें इसको हटा देते हैं, इसकी तो क्या जरूरत है, तो समझ ही गए आप कि हाँ ऐसा होता है, और वैसे भी आप विद्वान हो यार, आपको क्या कहना। ठीक है, सिक्स्थ बोल रहा है 47 डिग्री 25 मिनट 36 सेकेंड, 47 डिग्री 25 मिनट 36 सेकेंड। देखो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे बोलूँ 47 डिग्री + 25 मिनट + 36 सेकेंड, चलेगा, अरे क्यों नहीं चलेगा। अब मैं सबको डिग्री में कन्वर्ट करना स्टार्ट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 47 डिग्री + 25/60 डिग्री, राइट है। अब सेकंड को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सेकंड को पहले मिनट में करो, तो जैसे डिग्री से मिनट का कन्वर्जन हुआ था, वैसे ही सेकंड से मिनट का कन्वर्जन होगा। कैसे, 60 सेकंड एक मिनट होता है, तो एक सेकंड 1/60, तो 36 36/60,
तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 36 बाई 60 मिनट होगा। अभी इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो ये टोटल जो एंगल हो रहा है 47 डिग्री प्लस 25 बाई 60 डिग्री, सॉरी टोटल का डिग्री है, और प्लस ये 36 अपॉन 60 एंड 60, अब ये हो गया डिग्री। ठीक है, इतना डिग्री हुआ ये। ठीक है, यहां से जितना कट सकता है आप काट लिया करो, 5 से 5 टाइम्स में, 5 से 12 टाइम्स में, ये कितना हो जाएगा 6 से, तो टोटल कट जाएगा ये 10 और ये 10, नीचे 100 हो जाएगा इधर और इधर 12, और बाकी इसको ऐड कर लें तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे 47 प्लस 5 बाई 12 प्लस 1 बाई 100। ठीक है, इतना डिग्री है, मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 47 प्लस 5 बाई 12 प्लस 1 बाई 100 इंटू पाई बाई 180, दिस इज आवर रेडियन। हो गया ना, सब कुछ एक जैसे हो गया। ठीक है, दिस इज रेडियन में। ठीक है, तो बात क्लियर है, ये सब कैसे आता है, यदि आपको नहीं भी याद हो कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप सीधे 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो एक डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, तो ये इतना इक्वल टू दिस रेडियन। ठीक है, तो यही था कैसे कैसे कन्वर्ट करके करते हो। एक और एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल छोटा सा है, देखो क्या बोल रहा है, मैं लिख देता हूं कि द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज 2π/5 रेडियन, इज 2π/5 रेडियन, देन एक्सप्रेस द एंगल्स इन डिग्रीज, देन एक्सप्रेस ऑल एंगल्स इन डिग्री, देन एक्सप्रेस ऑल एंगल्स इन डिग्री। बात खत्म है, आसानी से कर लो ना, क्या होगा सॉल्यूशन देखो, डिग्री में एंगल्स देने हैं, दो एंगल्स जो एक्यूट एंगल होंगे, एक बात समझो, तो ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, मान लिया ये है एंगल ए और ये है एंगल बी और ये है एंगल सी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, हमेशा हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में नोटेशन देंगे एंगल्स का, ध्यान रखना हमेशा, उससे क्या होगा ज्यादा का फायदा होगा, करोड़ों का फायदा होगा। ये तो राइट एंगल है, तो इन दोनों एंगल का समेशन कितना हो जाएगा, ए प्लस सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा, और दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 2π/5, तो दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 2π/5, ये तो रेडियन है ना, डिग्री बना लो ना, डिग्री बनाने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2π/5 इंटू 180 बाई पाई से पाई कैंसिल, 5 से 36, तो ये हो जाएगा a माइनस सी इक्वल टू 72 डिग्री। मॉडुलस भी ले सकते हो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, यदि मैं 1 प्लस 2 कर दूं तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 2 करते ही c से c कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहां से कि 2a इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 162 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81 डिग्री, तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी तो c की वैल्यू भी आ जाएगी, कितनी हो जाएगी 9 डिग्री, और पहले से पता है कि b राइट एंगल है तो b कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो आई होप बात समझ गए होंगे, तो इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक और छोटा सा क्वेश्चन है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए आप वीडियो पॉज करेंगे, मैं इधर का मिटाता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन लिख के, मतलब ऐसे ओरल क्वेश्चन है, आप ओरल क्वेश्चन आंसर दे दोगे, फिर भी मैं लिखता हूँ, तो इसलिए वीडियो पॉज करके आप थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, बाकी तो एजिटिज रहेगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, जो हमारा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर, ऑफ रेडियस 3 मीटर by an arc of length 1 meter, क्या बताना है, एंगल बनाना है, देख लो एंगल सबटेंडेड, ठीक है ना, मतलब यदि मैं इसका डायग्राम बना दूं थोड़ा सा समझने के लिए,
ये होता हमारा डायग्राम, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 3 मीटर है, और एक हमने आर्क बना दिया, ये पॉइंट ए ले लिया और ये पॉइंट पी ले लिया और इसको 1 मीटर बोल रहा है, ये एंगल पूछा है। अरे वाह, ये तो समझ आ गया ना, तो रेडियन वाला सर्कुलर सिस्टम वाला है कि यदि ये और ये सेम रहेगा तो कितना बनता है, कितना बनता है, ये और ये सेम रहेगा का मतलब ये तो देख के बता सकते हैं। देखो ध्यान से, इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, ठीक है। यदि मान लो ये देखो, ये पी वन ले लो, ये पी टू ले लो और ये पी थ्री ले लो, यदि यहाँ से यहाँ तक होता तो ये कितना हो जाता, ये इधर 3 मीटर हुआ ना, बराबर बराबर लिया तो ये 1 रेडियन होता ना, इसका तीसरा पार्ट है तो कितना हो जाएगा 1/3 रेडियन, डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो। तो एंगल यदि ओ बोल दो, एंगल ए ओ पी वन, एंगल ए ओ पी वन क्या हो जाएगा 1/3 रेडियन। यदि आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डिग्री में रेडियन को तो क्या करते हैं 180/π से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/3 × 180/π ये क्या हो जाएगा 60, तो इतना ये डिग्री हो जाएगा, तो 60/π डिग्री, दिस इज आवर करेक्ट आंसर, बात खत्म है। क्यों लगे मैं ऐसे नहीं मानता, कैसे मानते भाई, तो डेफिनेशन से तो जाना ही पड़ेगा ना, ये एंगल आपको बताना है तो ये एंगल क्या होता है। वैसे भी आप देख लो, जैसे आपको बताया गया है तो ये एंगल, वैसे भी आप बचपन में पढ़े हो थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये पढ़े हो ना, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला मैं तो बचपन में पढ़ा था, पता नहीं आप पढ़े हो कि नहीं, बट पढ़े ही लोग, ठीक है। तो या आर्क लेंथ इक्वल टू थीटा इनटू रेडियस, जैसे भी पढ़े हो तो सेम चीज़ है, और ये रेडियन में आंसर देता है आपको, ठीक है। तो मुद्दा खत्म होता है, तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, आई होप मज़ा आया होगा, कुछ नया आप सीखे ही होंगे, ठीक है। और इसके अगले लेक्चर में हम स्टार्ट कर देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना, रेशियोज स्टार्ट कर देंगे, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा सब इंट्रोड्यूस हो जाएगा वहाँ पर, और मज़ा आने वाला है, तो ध्यान से देखो, ठीक है ना, ये क्या है, इसको समझना है, इसको समझना है, इस लेक्चर को समझना है, ठीक है ना। दो तीन चीज़ें बस याद रखने का, कन्वर्जन जो है ना वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पूरे लेक्चर में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है वो कन्वर्जन, बाकी चीज़ तो ऐसे प्रवचन चल रहा था, ठीक है ना, तो ज़्यादा प्रवचन नहीं देंगे आपको। तो आज की सभा यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच।